कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। एसएससी सीजीएल 2022 की जितने भी तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी एसएससी सीजीएल प्यार बन चुका है और जिनको भी परेशान कर रहा है, जो भी इस प्यार को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। एसएससी सीजीएल 2022 अगर उसकी हम डेट की बात करें कि रिजल्ट कब आ सकता है, प्लस उसकी अगर हम बात करें कि मेंस कब हो सकता है, दोनों चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा दूंगा कि कब होंगी दोनों चीज़ें, तो वीडियो को पूरी देखना। और मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि जो हमारी वीडियो है आप उनको 2x स्पीड पर देखें ताकि आपका टाइम और जो है वो यूटिलाइज हो जाए। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूं। ये DOPT का एक रूटीन में अब वो बन चुका है, ठीक है, कि जिस पर DOPT फॉलो कर रही है, जैसे नवंबर का शेड्यूल है, ठीक है, तो नवंबर में DOPT ने जो काम किए पूरे वो बताए, कितनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई, कितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए, ठीक है, और कितने रिजल्ट्स जो हैं वो दिए गए, ठीक है, डिलीवर हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें, कितने प्रमोशंस हुए। तो इस रूटीन में अक्टूबर की मैं बात करूँगा, सितंबर की मैं बात करूँगा, उससे पहले SSC इतना एक्टिव नहीं था, मतलब जब गवर्नमेंट ने मिशन मोड शुरू कर दिया, ठीक है, तभी से SSC इस रिपोर्ट के अंदर एक्टिवली आने लग गया। आप देखोगे कि इस रिपोर्ट में SSC ने बताया कि इस महीने SSC ने क्या क्या करा। आप देखोगे रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स जो है मंथली आ रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर CAPF का यहाँ पर जो है SSC ने एग्ज़ाम करवाया, फिर ये वाला एग्ज़ाम करवाया, स्टेनोग्राफर का डिक्लेयर कौन कौन से किए, ये एग्ज़ाम्स डिक्लेयर किए, ऐसी मैं अभी आपको और भी दिखाऊंगा सारे पैटर्न। पर एक चीज़ है यहाँ पर कि लोगों का स्कोर नहीं बढ़ रहा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए पहले छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की स्पेशली, ठीक है, मेरे पास ये वाली बुक है, आप भी वाली बुक ले सकते हो इंग्लिश वाली, इसमें आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिल जाएगा अंदर, ठीक है, उससे आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि इन किताबों की जो किरण पब्लिकेशन की है, इसमें TCS ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, ठीक है, 2022 तक के, यानी कवर्ड है ऑलमोस्ट 70-80% जो है TCS के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंग्लिश की मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक वीडियो भी बना के दे चुका हूँ, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनका भी इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मेरा स्कोर मैंने 145 से सीधा 193 पर पहुंचा दिया था, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने फॉलोअप करी थी, इसमें 2011 से 17 तक के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 4 से 6 हज़ार SSC के वो भी हैं फ्री ऑनलाइन। मैंने आपको बताया कि इसमें एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा आपको, स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच करके ऑनलाइन जा सकते हो, ठीक है, वीडियोस भी मिल जाएंगी फ्री में, और जो टॉपर्स और सब सजेस्ट करते हैं, जैसे हम भी सजेस्ट कर रहे हैं, 16,500 के लगभग क्वेश्चंस हैं, लिंक इसका मैं बुक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको फॉलोअप कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड ने बुक ले रखी है तो उससे आप स्क्रैच कार्ड ले सकते हैं, उस स्क्रैच कार्ड से ऑनलाइन लॉगिन करके आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो विद एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूं अक्टूबर वाले महीने की, देखिए गाइस बैक टू ट्रैक आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर मैंने बुक के बारे में इसलिए बताया कि मुझसे पर्सनली मैसेजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं SSC4123, ठीक है। इस मंथ में SSC ने जो डिक्लेयर किया, आप देखोगे 4 एग्ज़ाम लगभग डिक्लेयर किए, जिसमें फाइनल एग्ज़ाम CGL का भी था, फाइनल CGL 21 भी था, ये भी था, CHSL भी था, सारे एग्ज़ाम SSC ने अक्टूबर महीने में डिक्लेयर कर दिए। मतलब एक्टिवली आप देखोगे जब से मिशन मोड लॉन्च हुआ हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिवली ये चीज़ बढ़ गई, ठीक है। और अगर मैं सितंबर की बात करूं तो सितंबर में भी आप देखोगे लगभग ये एग्ज़ाम पब्लिश किए, CGL का 2020 का आया, ठीक है, और स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो ये सारे काम हुए। मतलब 3 महीने जैसे ही मिशन मोड बनने लगा SSC एक्टिव हो गई। अब 21 भी हो चुका क्योंकि 20 भी हो चुका क्योंकि अब आपके बचा है जो 22, ठीक है, CGL 22 का रिजल्ट, ठीक है, और CGL 22 का कंडक्शन। अब मिशन मोड में एक चीज़ हुई है कि जो बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज़ को 1,00,000 रोजगार का टारगेट है, तो वो कंप्लीट करने के लिए 1,70,000 वैकेंसीज़ भरी जा रही है। तो इसलिए इस बार जैसा हम बताते आ रहे थे 22 में 40,000 वैकेंसीज़, इनको भरना बहुत ज़रूरी है, तो इनका एग्ज़ाम जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा जैसे मैं अभी दिखा रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखो जो इस एग्ज़ाम का स्केड्यूल है वो ऑलरेडी जनवरी जैसे अब चल रहा है, यहाँ पर 10 जनवरी से 14 फरवरी तक तो आपका GD का चलने वाला है, ठीक है, मतलब ये कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10 जनवरी से, उसके बाद स्टेनोग्राफर चलेगा 2 दिन, ठीक है। तो मेंस के भी मैं बात करूँगा, ठीक है। अब रिजल्ट की पहले बात कर लेते हैं, जो SSC CGL 2022 का मेंस का रिजल्ट है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो 26 जनवरी के आसपास तक डिक्लेयर हो जाएगा। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि SSC जो है वो
लगभग 30 दिन से 45 दिन का टाइम देती है मेंस के लिए, कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, 30 to 45 days, यानी 26 जनवरी के अराउंड, यानी कि 20 से 26, 30, इसी 10 डेज के अंदर ये रिजल्ट डेफिनेटली डिक्लेयर होगा, 20 से 30 जनवरी, तो हाईली प्रोबेबल है ये इसी डेट में हो जाए, 25-26 के आसपास, 20 से 30 के बीच में, और 30 दिन का यानी कि टाइम मिलेगा। अगर 20 जनवरी को होता है तो लगभग आपका 20 फरवरी, जो कि नहीं है, तो 26 जनवरी मैं इसलिए बोल के चल रहा हूँ क्योंकि 26 फरवरी की विंडो खाली है, उस दिन कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा जा रहा है, तो 26 फरवरी, तो जितनों का भी एसएससी पीआर है और वैलेंटाइन भाई ख़त्म करने वाले हो, वैलेंटाइन हम सेलिब्रेट करेंगे, उसी टाइम वेल ऑन टाइम प्रिपेयर हो जाना, ठीक है, वेल ऑन टाइम प्रिपरेशन शुरू कर देना 26 फरवरी के आसपास मेंस के, हाईली चांस है, मतलब 25-26 ये जो सैटरडे संडे पड़ेगा इसमें आपका WO, JSO और मेंस की डेट का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो ये 30 दिन की विंडो इस बार दी जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसलिए यहाँ पर लिया जाएगा क्योंकि मार्च से फिर SSC CHSL शुरू हो रहा है, जैसा हमने यहाँ पर देखा डेट ऑफ एग्ज़ाम मार्च है, जो अभी CHSL के फॉर्म भरे गए उनकी, ठीक है, तो मार्च में ये होगा, तो हाईली प्रोबेबल है ये होली वाले वीक के आसपास शुरू हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें मिलेगा नहीं, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डिले होगा, इसलिए ये तब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिर MTS भी कंडक्ट कराना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म्स निकले थे, यानी 32 लाख के करीब स्टूडेंट अपीयर हुए, तो उनका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराना कम से कम भी 3 हफ्ते का काम लगेगा, 3 वीक्स एटलीस्ट लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब हमने देखा 24-25 लाख पर ही SSC जो है वो 2 वीक ले लेता है, तो 3 वीक्स एटलीस्ट यहाँ पर मान के चलो कि लग जाएगा। तो अगर मैं बैक टू यहाँ पर आऊँ आपके पास समझाने, जो मैं समझाना चाहता था, तो रिज़ल्ट की जो डेट है वो लगभग जनवरी 25-26 के आसपास एक्सपेक्टेड है, और जो आपका मेंस होना है वो 25-26 फेब को होना है, ठीक है, यानी इसके बाद अगर जाएगा भी तो 1 वीक का टाइम जा सकता है, क्योंकि उसके बाद CHSL शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अगर लगभग मैं देख के चलूँ 20 दिन ये जनवरी वाले हैं, और वो तो 45 डेज से 55 डेज के आसपास अप्रॉक्स पेंडिंग है। तो गाइस जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि जो मेंस में देख रहा हूँ मैं 260 से 290 ये स्कोर रिवॉल्व हो रहा है बहुत सारे बच्चों में, मतलब अगर हम स्कोर की बात करें तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं 260 से 290 की विंडो में। इसके लिए एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा ताकि आपका स्कोर जो है थोड़ा इंक्रीज़ कर जाए, 300 प्लस की लाइन में पहुंच जाओ, क्योंकि 4600 ग्रेड पे अगर आपको लेनी है और लोकेशन के साथ लेनी है और अच्छी जॉब लेनी है तो 300 प्लस एटलीस्ट आप टारगेट करके चलो। इसके लिए मैं आपके एक वीडियो बना दूंगा कि जहां पर एक मॉक टेस्ट मैं खुद से अपीयर करके देख के कि कहां ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ वाले में समझ आ रहा है ऐसा कि वहां पर टाइम जो है इतना मिल नहीं पा रहा, और वहीं इंग्लिश और जीके वाले में टाइम बच रहा है। तो इस वाले में अगर आपको देखा जाए तो रीजनिंग में आप सफ़र कर रहे होंगे, मैं एक बार इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं हाईली रिक्वेस्टेड है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर तो जरूर फॉलो कर लेना, लेटेस्ट अपडेट वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, हमारा एक 22 वाला ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ शेयर करेंगे।